नमस्कार, आज हम मौजूद हैं गया के नगर वन ब्रह्म वन में, जहां की सरकार की एक काफी खूबसूरत और आकर्षक योजना का नव निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि भारत में 19 नगर वन का निर्माण किया गया है। वहीं बिहार के गया में एक इकलौता वन जिसे वन विभाग ने नगर वन ब्रह्म वन का नाम दिया है, यहाँ काफी ही सुहावना दृश्य देखने को मिलेगा। तितली पार्क बनाया गया है, जहाँ तितली आकर के बैठ सके। पक्षियों के लिए पार्क बनाया गया है, ताकि हर तरह के पक्षी आकर के अपना रैन बसेरा कर सके। काफी सुहावना दृश्य जो जानवरों का बनाया गया है, साइकिल ट्रैक, पहाड़ी इलाका में रॉक गार्डन, हर तरह से दिल को छू लेने वाले कलाकारी किया गया है। ये तैयार हो रही है, सरकार का जो प्रोजेक्ट है वो कितने एरिया में है और कितने लागत से बनाई जा रही है, लोगों को बनने के बाद कैसा नजारा दिखेगा। ये जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ जो विकास के कार्य चल रहे हैं, वो इसको हमने ब्रह्म वन का नाम दिया है। ये केंद्र सरकार के द्वारा योजना पारित की गई थी, जिसके तहत शहरों के अंदर जंगल क्षेत्रों में पार्क बनाए जाने थे। उसका कारण ये था कि बढ़ते प्रदूषण और दबाव के कारण क्या है, शहर में हम लोग को जंगल जैसे वातावरण नहीं मिल पाता है। तो शहर के आसपास के इलाकों में बनाने से, जो भी शहर में और भी लोग, शहरीकरण बढ़ रहा है समय के साथ, लोग गाँव से शहर की तरफ आ रहे हैं, उनके लिए एक साफ स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण हो, जहां वो घूम सकें, टहल सकें और प्रकृति के बारे में जान सकें, उसके मकसद से ये बनाया जा रहा है। ये कुल 50 हेक्टेयर में है, 127 एकड़ में, और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे थीमेटिक पार्क हैं। जो आपने रॉक गार्डन की चर्चा की, वो इसका सिर्फ एक अंश है। यहाँ बर्ड होम बनाया जा रहा है, जहाँ बहुत सारी चिड़ियाँ जो है यहाँ आसपास की, उनके लिए खाने पीने बैठने सभी की व्यवस्था रहेगी, तो वहाँ चिड़िया हमेशा उस क्षेत्र में बैठी रहेंगी, उसको बर्ड होम कह रहे हैं हम लोग। उसी तरह बगल में एक बटरफ्लाई पार्क है, जहाँ पे यहाँ के आसपास की लगभग 45 प्रजाति की जो तितलियाँ हैं, वो उस क्षेत्र में वहाँ पे घूमती रहती हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पे नक्षत्र गार्डन है। हम लोग जानते हैं कि ये विष्णुपद क्षेत्र है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो नक्षत्र से जुड़े हुए, जिनके नक्षत्र के लिए जो पौधे शुभ होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे जानकारी भी रहेगी, वो पौधे भी उपलब्ध रहेंगे। और वो एक पार्क बनाया गया है कि किसका किस नक्षत्र में कौन सा पेड़ है जो उनके लिए शुभ है। इसी तरह और भी हैं, दादा दादी पार्क है, फिर चेस गार्डन है, बहुत सारे थीमेटिक पार्क इसके अंदर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ का जो वन क्षेत्र है, उसके अंदर ट्रैकिंग की व्यवस्था की जा रही है, ताकि बाहर से जो ट्रैकर्स आ सके, वो जंगलों में पहाड़ों पर चढ़कर चारों तरफ घूमकर उसके बाद दोबारा यहाँ इसके अंदर पार्क में आ सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, लोगों के बैठने की सुविधाएं हैं, पानी है, टॉयलेट की सुविधा है, सभी तरह की सुविधा है, और ये पूरी तरह सुरक्षित सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा और शहर के पास है, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ के गया के वासियों को, एक अच्छा पार्क यहाँ शहर में नहीं था, तो उम्मीद है कि इससे उनकी आशा पूरी हो। नहीं, बताया जा रहा है सर कि ये हिंदुस्तान में, हमारे भारत में 19 जगहों पे है ये, लेकिन बिहार में गया को ही इकलौता चुना गया है ये। हाँ, 19 जगह पर है नहीं, जो चयन किया गया था वो 19 जगहों को पहले वर्ष में चयन किया गया, उसमें बिहार से सिर्फ गया का चयन हुआ है प्रथम वर्ष में। वैसे भारत सरकार का लक्ष्य है कि 200